हेलो अंक्षा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वेंग और जेंगचा को पता चल गया था कि वांग जी और लैन शिचैन एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनी के मालिक हैं। दूसरी तरफ सिजुई जब स्कूल से घर पहुंचता है, वांग जी उससे पूछता है, सिजुई तुम्हारा दिन कैसा रहा? सिजुई कहता है, बहुत अच्छा रहा गगा, पर मैंने जिनलिंग को मिस किया, क्या मैं आज भी उसके साथ खेल सकता हूँ? वांग जी कहता है, आज नहीं सिजुई, आज उसका भी स्कूल होगा ना। सिजुई पाउट बनाते हुए कहता है, तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ प्लीज़ गगा? वांग जी कहता है, ठीक है, मैं अभी उसके अंकल को मैसेज करके पूछता हूँ। वांग जी वेंग को मैसेज करता है, क्या सिजुई जिनलिंग से फ़ोन पर बात कर सकता है? वेंग तुरंत रिप्लाई करता है, आई एम सॉरी, मैं तो अभी वर्क प्लेस पर हूँ, पर तुम जेंगचा से पूछ सकते हो। मैसेज देखने के बाद वांग जी शिचैन से कहता है, ब्रदर क्या आप जेंगचा से पूछ सकते हैं? वेंग तो अभी वर्क प्लेस पर है। शिचैन तुरंत उसे कहता है, मैं अभी मैसेज करता हूँ। जेंगचा का भी रिप्लाई आ जाता है, श्योर, जिनलिंग तो बहुत खुश होगा उससे बात करके। जिनलिंग और सिजुई आपस में बातें कर रहे थे, वहीं वांग जी पास ही में बैठा एक सॉफ्ट स्माइल दे रहा था, जिसे देखकर शिचैन सोचने लगता है, इस स्वीट लिटिल जियांग फैमिली के हमारी लाइफ में आने के बाद कितना कुछ बदल गया है, मेरा एक्सप्रेशनलेस भाई भी मुस्कुराने लगा है। अगली सुबह वेंग न्यूज़ चैनल देख रहा था, स्क्रॉल करते करते अचानक उसे एक न्यूज़ में शिचैन और वांग जी की फ़ोटोग्राफ नज़र आती है, जिसमें वांग जी हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। दो न्यूज़ एंकर लॉरा और एम्बर आपस में बातें कर रही थी। लॉरा एम्बर से पूछती है, तो तुम्हें क्या लगता है वो दो खुशनसीब लड़कियां कौन होंगी जिनके साथ ये बिलियनर ब्रदर्स गाला इवेंट में एंट्री करने वाले हैं? एम्बर कहती है, फ़िलहाल तो कोई नहीं, मैंने सुना है काफ़ी सारी ब्यूटीफुल लड़कियों ने इन हैंडसम ब्रदर्स को अप्रोच किया था, पर कोई भी इनका दिल नहीं जीत पाई है। न्यूज़ को देखते ही वेंग के सामने वांग जी का चेहरा आ जाता है, किस तरह संडे मॉर्निंग में वो उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। एंटरटेनमेंट चैनल पर जो फोटोग्राफ उसका दिखाया गया है, उसमें वांग जी एकदम बिजनेसमैन लग रहा था, एक फ्रिजिड बिजनेसमैन, पर वो वांग जी बिल्कुल अलग था जो संडे मॉर्निंग में उसके साथ था, वो तो बहुत वार्म और क्यूट था। वांग जी के थॉट्स को वेंग साइड में करता है और अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। वेंग जिस कैफे में काम करता था वहाँ एक टैक्स सपोर्ट भी था जो नी ब्रदर्स का था। नी ब्रदर्स काफ़ी फ्रेंडली थे, वेंग कभी कभी उनके पास भी चला जाता था। रात के समय अंधेरे कमरे में वांग जी कब सिल्क के बारे में सोच सोच कर खुद को टच करने लगा था, उसे खुद नहीं पता चल रहा था। यह अब उसकी डेली की हैबिट बन चुकी थी, एक बैड हैबिट। हर रात वो सोने से पहले सिल्क को इमेजिन किया करता था, उन्हें टाइट लेदर शॉर्ट्स में और उसके रेड लिप्स, उसका स्पार्कलिंग लाफ्टर और उसकी सिल्वर आइज। प्लेग्राउंड में वेंग के साथ खेलते वक्त उसकी नेक पर से जो स्वेट बह रहा था, वांग जी ने खुद को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। वेंग को लेकर इनडिसेंट थॉट्स ऑलरेडी उसके मन में आने लगे थे। वो सोचता था कि वेंग जब उसके बेड में उसके नीचे होगा, प्लेजर से मोर्निंग कर रहा होगा, तो उसका फेस कैसा होगा, उसकी आवाज़ कैसी होगी। उसकी सॉफ्ट सांसों की आवाज़ वांग जी सुनना चाहता था। यही सब सोच सोच कर वांग जी कब खुद को ही टच करने लगता था, उसे पता नहीं चलता था। वेंग को लेकर उसके थॉट्स लस्ट से भरे हुए थे, जिन्हें वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। वेडनेसडे नाइट आते ही एक बार फिर आदत से मजबूर होकर वांग जी और शिचैन सिल्क और सैटिन का शो देखने के लिए पहुंच जाते हैं। वो वीआईपी बूथ में बैठे हुए थे, तभी एक ओल्डर लेडी जो सारे वीआईपी मेंबर्स को वेलकम कर रही थी, वो उनके पास आती है और उनसे कहती है, वेलकम जेंटलमैन, मेरा नाम इजाबेला है, मैं रेड ऑर्किड बार की ओनर हूँ, मुझे खुशी है कि आज हमारे यहाँ लैंस आए हैं। शिचैन कहता है, थैंक यू मैडम, हम आपके परफॉर्मर्स से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए हैं कि हम यहाँ खुद को आने से रोक ही नहीं पाते। इजाबेला कहती है, हाँ, सिल्क और सैटिन हमारे बार के हेडलाइनर्स हैं। तभी शिचैन पूछता है, क्या वो दोनों प्राइवेट शोज़ भी करते हैं? इजाबेला कहती है, नहीं, वो दोनों प्राइवेट शोज़ तो नहीं करते, पर अगर लैंस पूछ रहे हैं तो वो शायद कंसीडर कर सकते हैं। शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं बस पूछना चाहता था। वांग जी एक एनवलप निकाल कर इजाबेला को देता है और उसे कहता है, उन लोगों की जो भी पेमेंट होती है प्लीज़ उसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा। एनवलप में $1,000 रखे हुए थे। इजाबेला कहती है, ओ माई गॉड, आप लोग उनके लिए इतने हाई प्राइस देने के लिए तैयार हैं? थैंक यू सो मच मिस्टर लैन, आई होप आप ये शो इन्जॉय करेंगे। जेंगचा और वेंग जब अपने शो के बाद चेंजिंग रूम में वापस आते हैं, तो उन्हें अपनी वैनिटी टेबल पर दो ब्लैक एनवलप्स रखे हुए मिलते हैं, जिनमें $1,000 रखे हुए थे।
वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। तभी जेंगचा मुस्कुराते हुए कहता है, विभूषण, शायद इस साल हम जिनलिंग के बर्थडे पर उसे जू ले जा पाएंगे। वुइंग भी कहता है, हाँ जेंगचा, पर आज हमने ऐसा क्या स्पेशल किया था जो हमें $1,000 मिले होंगे। जेंगचा कहता है, पता नहीं, पर जो भी कुछ किया था उसे कल भी करेंगे। अगले दिन दोनों अपने अपने वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं। जेंगचा बुक स्टोर में बुक्स अरेंज कर रहा था, तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है जो लैंग चिचैन का मैसेज था। मैसेज में लिखा हुआ था, आई एम सॉरी, मैं आफ्टरनून में आपको परेशान कर रहा हूँ, पर सिजुए इस वीकेंड पर न्यू पोकेमॉन मूवी देखना चाहता है। क्या जिनलिंग भी हमारे साथ चलना चाहेगा? हम आफ्टरनून शो की टिकट्स खरीद सकते हैं। मैसेज पढ़ने के बाद जेंगचा की तो जैसे सांस ही अटक जाती है। गुसू फार्मेसी का ओनर उन्हें अपने साथ मूवी पर ले जाने के लिए कह रहा था। जेंगचा तुरंत ये मैसेज वुइंग को फॉरवर्ड कर देता है। वुइंग रिप्लाई करता है, दैट्स परफेक्ट, जिनलिंग को भी बहुत अच्छा लगेगा। जेंगचा शिचैन से मूवी के लिए हाँ कर देता है। सैटरडे मॉर्निंग विंग और वांगजी जिनलिंग को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाते हैं, जिससे संडे में उनकी मूवी डेट पर वो एकदम बेस्ट दिखें। आखिरकार संडे आफ्टरनून आ चुकी थी। लैंस मूवी थिएटर के बाहर खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे। हमेशा की तरह वो पहले पहुँच गए थे। 20 मिनट बाद आखिरकार दोनों यंग ब्रदर्स जिनलिंग के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। सिजुए जिनलिंग को देखते ही वांगजी से अपना हाथ छुड़ाकर सीधे उसकी तरफ भागता है। जिनलिंग भी उसे हाय कहता है और उससे कहता है, सिजुए, मेरे नए शूज़ देखो, कल ही मुझे अंकल ने दिलवाए हैं। सिजुए कहता है, वाओ, ये तो बहुत अच्छे हैं। जेंगचा कहता है, मैं टिकट्स लेकर आता हूँ। शिचैन कहता है, नहीं, मैं ऑलरेडी हमारे लिए टिकट्स खरीद चुका हूँ। वुइंग हंसते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। वुइंग लॉबी की तरफ जाता है और वांग जी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रही थी। उसने रिच डार्क रेड कलर की हुडी पहनी हुई थी, डार्क जीन्स पहनी थी जो उसके थाइस पर एकदम टाइट थी। वुइंग की बॉडी हमेशा की तरह अट्रैक्टिव लग रही थी। वांग जी को वुइंग की उस जीन्स से जलन हो रही थी जिसने वुइंग की थाइस को इतना टाइटली पकड़ा हुआ था। वांग जी के थॉट्स इससे पहले ज़्यादा डर्टी हो पाते। सिजुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, गगा, क्या मूवी के बाद जिनलिंग हमारे साथ मेरे बनी को देखने के लिए आ सकता है? जिनलिंग भी काफ़ी होपफुल और बड़ी बड़ी आईज से उन दोनों की तरफ देख रहा था। शिचैन कहता है, जिनलिंग, हम तुम्हारे अंकल से पूछ लेते हैं, अगर उन्होंने हाँ कहा तो तुम हमारे साथ मिस्टर स्नफल्स को विजिट करने के लिए चलना। तभी वुइंग अपने साथ पॉपकॉर्न्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस आ जाता है और वो लोग पोकेमॉन मूवी देखने के लिए अंदर जाते हैं। पूरी मूवी के दौरान शिचैन की नज़रें जेंगचा की तरफ थी और वांगजी की नज़रें सिर्फ वुइंग की तरफ थी। मूवी जब ख़त्म होती है तो वांगजी को डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि वो वुइंग को और भी ज़्यादा देखना चाहता था। पर मूवी ख़त्म हो जाने के बाद, जैसा कि जिनलिंग ने ज़िद की थी, शिचैन और वांगजी उन लोगों को अपने एलिगेंट अपार्टमेंट में लेकर आते हैं, जिसे दिखाते वक्त शिचैन और वांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश तो थे ही, एक्साइटेड भी थे, साथ में बहुत ज़्यादा नर्वस और अशेम्ड भी फील कर रहे थे, क्योंकि वो किसी भी हाल में वुइंग और जेंगचा को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि वो अपने बड़े से अपार्टमेंट को शो ऑफ कर रहे हैं। सिजुए जिनलिंग को सीधा अपने रूम में ले जाता है जहाँ वो उसे मिस्टर स्नफल से मिलवाता है। जेंगचा और वुइंग भी इतने फैंसी होम में आकर थोड़ा ऑकवर्ड तो फील कर रहे थे, पर वो बीच बीच में पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं। वहाँ की बालकनी पर खड़ा होकर वुइंग वांगजी से कहता है, यहाँ से तो पूरा गुसू दिख जाता होगा ना, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ सनसेट्स भी बहुत अच्छे दिखते होंगे। वांगजी सिर्फ हम कहता है और उससे कहता है, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? कॉफ़ी, टी, वाटर, मिल्क या जो भी तुम चाहो। वुइंग हंसते हुए कहता है, थैंक यू, पर अभी मन नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ जेंगचा पूछता है, तो लास्ट सैटरडे आप लोगों ने कहा था कि आप लोग म्यूज़िक प्ले करते हैं। शिचैन कहता है, हाँ, हम दोनों को म्यूज़िक प्ले करना बहुत पसंद है। मैं फ्लूट प्ले करता हूँ और वांगजी और मैं साथ में कभी कभी ग्यूचिन भी प्ले करते हैं। वुइंग कहता है, नो वे, वो ओल्ड स्कूल ग्यूचिन, स्कूल के बाद मैंने उसे कभी नहीं सुना, वो काफ़ी हिस्टोरिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। शिचैन कहता है, हाँ, अगर आप लोग चाहें तो हम आपके लिए प्ले कर सकते हैं। वुइंग क्यूरियस होते हुए हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद लैंड ब्रदर्स उनके लिए म्यूज़िक प्ले करते हैं। वुइंग की आंखें वांगजी की लॉन्ग डेलिकेट फिंगर्स पर पड़ रही थी जिनसे वो ग्यूचिन प्ले कर रहा था। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, एक परफेक्ट फ्लॉलेस एंजल की तरह। वुइंग उस गॉर्जियस मैन को किस करना चाहता था,
यूचिन प्ले करते करते अचानक वांग जी की नज़र वुइंग पर पड़ती है जो उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। ये देखते ही वुइंग तुरंत उससे नज़रें हटा लेता है। कुछ टाइम बाद दोनों फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इस बार दोनों ही एक दूसरे को सिल्वर आइज से देख रहे थे। दूसरी तरफ जंगछा भी लान चचैन को स्टेयर करना बंद ही नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो शिचैन को घंटों के लिए ऐसे ही देख सकता है और उसके फ्लूट का म्यूज़िक सुन सकता है। शिचैन भी म्यूज़िक प्ले करते करते जंगछा की तरफ देखता है और उसकी आंखों में लॉस्ट हो जाता है। दोनों कपल्स एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सिडक्टिव स्पेल एक दूसरे पर डाल रहे हों। तभी दोनों बच्चों की आवाज़ सुनकर फाइनली चारों डिस्ट्रैक्ट होते हैं और बच्चों पर नज़र डालते हैं। जिनलिंग भागता हुआ आ रहा था और उसकी गोद में रैबिट था जो कह रहा था, अंकल देखो ये कितना फ्लफी है, कितना क्यूट है। वुइंग भी उस फ्लफी रैबिट के सिर पर हाथ फेराने लगता है। तभी शिचैन कहता है, हमने इसे एक रेस्क्यू सेंटर से उठाया था। सिजुई को ये इतना प्यारा लगा कि इसे हमने अपने साथ ही रख लिया। वांग जी वुइंग से पूछता है, क्या तुम कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेना चाहोगे, कुछ कुकीज या कुछ भी पीने के लिए? वुइंग कहता है, हाँ मैं पानी पीना चाहूँगा। वांग जी को इतने लंबे समय तक घूरने के बाद वुइंग का गला इतना ज़्यादा सूख गया था कि उसे पानी की ज़रूरत थी। पर वो कब वांग जी के पीछे पीछे किचन में आ जाता है उसे खुद पता नहीं चलता, पर बहुत जल्दी उसे रियलाइज़ होता है कि शायद ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि किचन में जाते ही जब वो दोनों बिल्कुल अकेले थे, वो ब्यूटीफुल मैन वुइंग की तरफ बढ़ता है। वुइंग तुरंत अपने ग्लास में पानी भरता है और किचन से बाहर निकलने ही वाला था, पर वांग जी एंट्रेंस पर खड़ा हो जाता है। वुइंग गहरी गहरी सांस लेने लगता है, पर वांग जी उसकी तरफ एक कदम और आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे वांग जी उसकी तरफ बढ़ रहा था, वुइंग पीछे पीछे जाता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश ही हो जाएगा। वुइंग अचानक किचन काउंटर से जाकर टकरा जाता है। वो कुछ कहना चाहता था पर उसका गला एकदम सूख चुका था। तभी वांग जी की वो एलिगेंट लॉन्ग फिंगर्स वुइंग के चीक्स को टच करने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को घूरना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। वो इम्पॉसिबली ब्यूटीफुल मैन वुइंग के और भी नज़दीक आता जा रहा था। वो इतना नज़दीक आ गया था कि उन दोनों की नोज एक दूसरे से ऑलमोस्ट टच हो गई थी। वुइंग हेजिटेट करते हुए कहता है, लान वांग जी। तभी वांग जी कहता है, लंचा, मुझे लंचा बुलाओ वुइंग। दूसरी तरफ बाहर शिचैन सिजुई से कहता है, सिजुई मिस्टर स्नफल्स अब थक गए होंगे, उन्हें वापस उनके रूम में पहुंचा देना चाहिए। सिजुई कहता है, ओके गगा। सिजुई रैबिट को लेकर और जिल्लिंग को लेकर अपने रूम में वापस चला जाता है। उन लोगों के जाते ही बाहर जेंगछा और शिचैन अकेले थे। शिचैन धीरे धीरे उसी काउच पर आकर बैठ जाता है जहाँ जेंगछा बैठा हुआ था। जेंगछा भी उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस न ले पा रहा हो। शिचैन अचानक उसके पास आकर कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ जेंगछा? ये क्वेश्चन जेंगछा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये सुनते ही उसके चीक्स बुरी तरह ब्लश करने लगते हैं। वो इतना शॉक में चला जाता है कि इससे पहले वो कुछ कह पाता, गोसू फार्मेसी का ओनर लैन शिचैन आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। ये एक जेंटल किस था, पर जेंगछा शॉक में रह गया था। ये उसका फर्स्ट किस था जो शिचैन ने चुरा लिया था, पर फिर भी वो शिचैन को खुद से अलग नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ किचन में वांग जी के हाथ अभी भी वुइंग की चीक्स पर थे। उनकी बॉडीज ऑलमोस्ट एक दूसरे से टच ही हो गई थी। नोज एक दूसरे को रब कर रही थी। वुइंग की लॉन्ग लैशेस बार बार झुक रही थी। वो मन में सोच रहा था, आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो फिर से कहने की कोशिश करता है, लंचा, पर अब लंचा उसे एक डेलिकेट किस के साथ शांत कर देता है। वांग जी ने उसे एक सॉफ्ट और जेंटल किस किया था। वुइंग की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई थी और उसने आंखें टाइटली बंद कर ली थी। वांग जी अब अपनी बॉडी वुइंग की बॉडी से और भी ज़्यादा प्रेस कर देता है और उसके लिप्स पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार सॉफ्ट किस करता रहता है। उसके हाथ धीरे धीरे वुइंग की स्लिम वेस्ट पर जाते हैं और वो उसे वेस्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में है। फाइनली सिल्क उसके हाथों में था और उसे वो किस कर रहा था। वो अब उसे किस करते करते वुइंग का माउथ अपनी टंग से ओपन करने की कोशिश करता है, पर वुइंग उससे अलग हो जाता है
और वो जल्दी में उससे कहता है, थैंक यू फॉर द मूवी, मुझे अब जाना होगा, सॉरी। वो अपने रेड चीक्स को छुपाते हुए किचन से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि जेंगछा भी हर बड़ाहट में जिनलिंग को अपनी गोद में उठाता है और वेइंग से कहता है, हमें अब घर चलना चाहिए विभूषण। वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दोनों लैंस वहीं खड़े रह गए थे और कुछ नहीं कह पाए थे। घर जाकर जिनलिंग को सुलाने के बाद वेइंग पिलो में अपना सिर मारते हुए कहता है, शिट, ये आज मुझे हुआ क्या था। दूसरी तरफ जेंगछा के भी होश उड़े हुए थे। वो जैसे ही रूम में अंदर आता है, वेइंग उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, जेंगछा मैं क्या करूं। जेंगछा उसे कहता है, क्या हुआ विभूषण। वेइंग उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाता है और उससे पूछता है, पहले तुम कहो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जेंगछा कहता है, नहीं पहले तुम कहो। वेइंग कहता है, पता नहीं जेंगछा, आज कुछ ऐसा हुआ जो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। जिनलिंग बेड पर सोया हुआ था पर फिर भी वेइंग उसके कानों को कवर करते हुए कहता है, जेंगछा उसने मुझे किस किया। जेंगछा की भी आंखें सरप्राइज में एकदम खुले की खुली रह गई थी। वेइंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, कि मेरा फर्स्ट किस था आचंग, मेरा पहला किस, वो भी लंजा के साथ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जेंगछा नर्वसली हंसते हुए कहता है, वेल शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही बताना है। विभूषण, उसने भी मुझे आज किस किया। वेइंग कहता है, शिचैन ने। जेंगछा कहता है, और नहीं तो क्या, मिस्टर स्नफल्स मुझे किस करेंगे। हम दोनों अकेले थे, अचानक उसने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ जेंगछा। मैं कुछ जवाब दे पाता उससे पहले उसने मुझे किस कर दिया। वो मेरा पहला किस था विभूषण, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अचानक जिनलिंग नींद में करवट लेने लगता है। वेइंग उसके सिर पर हाथ फेराकर उसे फिर से सुलाता है और जेंगछा से पूछता है, रात का समय हो रहा है, क्या हमें उन्हें गुड नाइट मैसेज करना चाहिए। जेंगछा कहता है, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँ, तुम होते तो क्या करते। वेइंग कहता है, मुझे भी तो नहीं पता, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हालाँकि जब लंजा ने मुझे किस किया था तो मुझे वो किस उतना बुरा भी नहीं लगा, मुझे तो ओवरवेलमिंग फील हो रहा था, तुम्हें कैसा लग रहा था। जेंगछा कहता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं शिचैन को पसंद करता हूँ या उसने मुझे जिस तरह किस किया मैं वो पसंद करता हूँ। वेइंग कहता है, एक मैसेज करने में कोई बुराई नहीं है, हम एक मैसेज तो कर ही सकते हैं ना। जेंगछा कहता है, ठीक है। वो दोनों अपने अपने फ़ोन उठाते हैं और तुरंत एक मैसेज सेंड कर देते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। बहुत से लोग फैन फिक्शन के लिंक मुझसे मांग रहे थे, तो गाइस लिंक मेरे पास नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि AO3 वर्क नहीं कर रहा है, तो लिंक मैं आपको नहीं दे सकती। मेरे पास ये फैन फिक्शन PDF फाइल में है, इसलिए मैं इसको शेयर कर पा रही हूँ। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूँगी। और प्लीज़ यार, कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको फ़ैन फिक्शन कैसा लग रहा है। कमेंट्स रीड करने के बाद ही नेक्स्ट पार्ट बनाने की और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, तो प्लीज़ कमेंट किया करो। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।